मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। मतलब देखें आप व्हाट्सअप गाइज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बैक इट अगेन विद अ न्यू व्लॉग। अभी सो के उठाऊँ और उठते ही मतलब अम्मी ने हिलाया और अम्मी ने बोला कि सलीम बाहर आंधी आ रही है और बारिश शुरू होने वाली है। तो बस मैं मुंह हाथ धोकर उठाऊँ और अभी आया हूँ। सादिया लोग भी स्कूल से आ चुके हैं और अभी जो है बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बल्कि हाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें आप सामने वाली दीवार पर बारिश किस तरह तेज हो गई है बारिश। बारिश बिल्कुल तेज शुरू हो चुकी है और अब मेरा पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा मोबाइल लेके, क्योंकि इसके ऊपर माइक भी लगा हुआ है और मेरा मोबाइल भी है, तो इन दोनों चीज़ों का ख़तरा है कि मैं मोबाइल लेके वहाँ जाऊँ। बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो गया, मौसम मतलब मज़ेदार मौसम हो चुका है। और अभी बस कोशिश ये है कि मोबाइल रखेंगे और नहाएंगे, थोड़ा सा फ्राई भी हो जाएंगे और फिर अंदर जाके नहा लेंगे। ओके। इसको सबसे ज़्यादा आग लगी हुई होती है बारिश में नहाने की, ये ना ये सबसे पहले पहुँच जाती है, कोई आए ना आए। बाकी ये है कि जो हमारा तख्त पड़ा हुआ था ना वो मैंने साइड में कर दिया, जो हमारे कबूतर हैं ना उनके आगे लगा दिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो बारिश के पानी से। यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया मेरे ऊपर, यहाँ नहीं आ रही इसलिए मोबाइल यहाँ पर है। पीछे तो आ रही ना, पीछे जाऊँगा गीला हो जाएगा। तो ये हमारे वे गिनती की 4-5 बूंदे पड़ते हुए, ठंडी बारिश हो रही है। 3-4 दिन गर्मी हो रही थी, VIP ऐसी VIP गर्मी के आप लेटे वो सो रहे हो, रात को पसीना आपको आएगा ऐसी गर्मी। एसी तक काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये है कि अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है ना तो अब मज़ा आ गया। मतलब हाँ यूँ आ रही है, आड़ी में आ रही है। ये है ना, अच्छा है वहाँ पे अपने कबूतरों के पास भी पानी नहीं आएगा, कबूतरों के पास भी पानी नहीं आएगा। और जो ना अपना ये पड़े हुए यहाँ पे भी पानी नहीं आएगा। मैं नीचे जाके देखता हूँ अब्बू के पास क्या सीन है। बारिश ऐसे होने की वजह से जो ना शायद वहाँ पे पानी आ रहा होगा। कैसी हो रही है बारिश? जबरदस्त है, मौसम चेंज हो गया। टाइट वाली दौली। कैसे अंकल, ठीक है? अब उस्ताद मौसम जब बदल गया, पता आ गया गर्मी खत्म, पानी तो नहीं आया है? नहीं आया, यह वाली चादर पहले ही डाल दी थी। हाँ से लाभ आएगा, ठाकुर साहब नालो ना, नाते तो है नहीं वैसे। क्या क्या बोला तूने? नालो ना, नाते तो है नहीं वैसे। गजब बेइज्जती है। अभी बोलेंगे थोड़ी, मुंह में होगा भरा हुआ होगा मुंह, इसलिए नहीं बोल रहे होंगे। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आ तू साथ मजा आ गया। अल्लाह का शुक्र है भाई, मौला का रंग है, बारिश आ रही है, मजे कर रहे हैं, रोटी बेच रहे हैं, खीर माल बिक रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत अल्लाह का शुक्र है भाई, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। 2 तो बज रहे हैं, 2:30 बजे मैंने जाना है, अभी छुट्टी हो जाएगी। बारिश देखो ना कितनी तेज हो रही है। पानी में खराब नहीं हो रहा मोबाइल? नहीं, हल्का हल्का आया है बस, मैं वहाँ से उतर के आया हूँ ना, वहाँ से उतर के बस यूँ आया तो उसमें हल्का हल्का आया होगा, ये मैं साफ कर दूंगा। महबूब भाई कैसे हैं आप? हैं, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बन रही है ना। महबूब मेरे को बोल रहा था कि सलीम भाई वीडियो ही नहीं बनाता, पता नहीं छोड़ दी, तो अब मैंने दोबारा भाई ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। देख ले अभी दोबारा बनेगा है, सुना नहीं था कैमरे के आगे आके तो सारे ऐसे हो जाते हैं, सुन मतलब कुछ आता ही नहीं है इनको, इतना हरामी है ना ये राजा जी। कैमरे के आगे आगे हो जाएगा कि जो ना मतलब कुछ आता ही नहीं है। हाँ
बोल कैसी है आपकी तबीयत? सही है। मौसम अच्छा है? मौसम अच्छा है बिल्कुल। बारिश हो रही है? बिल्कुल। आपका गांव डूब गया है? नहीं। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। तो बच्चे बच्चे डूब गए आपके? बताओ। अभी बच्चे होने नहीं तो कहाँ से डूबेंगे। अभी 2 साल हो गए, जब शादी करेंगे 2 साल में। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दो साल अबे भाई, तो अभी खुद 15 का कहाँ से 2 साल में तू शादी करेगा, 16-17 में शादी कर लेगा। हाँ ना, बड़ा हरामी हो बेटा। ये देख रहे यार, यहाँ पर बारिश चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र कर रहा है भाई, हम चाहिए कुल मेरे हाथ में गिर जाएंगे उस्ताद। वो जख्मी हो रहा है, अबे लग जाएगी हाथ में। रोटी छोड़ कर आया ना, देखने की आदत कैसी हो गई, पूरा गीला हो आगे पीछे। सिर्फ और सिर्फ जो है ना यहाँ से वहाँ पे गया हूँ, समझ लो यहाँ से सिर्फ जो है ना 1 किलोमीटर चला बाइक पे गया हूँ, उस पर इतना गीला हो गया। ठीक ठाक बारिश हो रही है और बारिश अभी रुकी नहीं है। मैं जा रहा हूँ ऊपर, दोपहर 2 बजे का टाइम है। हाँ, दोपहर 2 बजे का टाइम है और देखो काम हो रही है, 2 बजे टाइम गीला हो गया। नहाऊंगा, नहा के फिर कपड़े वपड़े बदलूंगा। यहाँ पे अम्मी लोग जो है ना सफाई कर रहे हैं। तो ये अब्बू की चप्पल पड़ी हुई है ना, तो ये ऐसी छत पे? अच्छा, धोई है। कल मस्जिद में चोरी हो गई ना चप्पल। किसकी? पापा की। अब्बू की चप्पल चोरी हो गई? बताओ, मगरिब की नमाज में चप्पल चोरी हो रही है? चल, जुम्मे में तो होती, मगरिब में भी हो गई। मेरी मूछे सब नीचे आ गई बारिश के पानी में। सिर्फ यहाँ से वहाँ तक हलीम रोटी जो नहीं गया था, मैं गया ना, अब्बू जा रहे थे। हाँ, मैंने लगा मैं देकर आया था, वो रोटी देकर आ गया, वहाँ पे भी इतना पानी जमा हो गया घुटनों तक। इतनी अभी बारिश होती रहेगी, मौसम बदला थोड़ी है, मौसम तो ऐसा ही है, अंधेरा अंधेरा हो रहा। तो फिर जो ना ये दोबारा भी जा रही है, फिर दोबारा आएगी, फिर बोलेगी कि जो ना मम्मा मैं जो ना दोबारा जा रही हूँ छत पे। वैसे भी जा रहा हूँ नहाने के लिए। भैया निकल गया है, मैं जाऊँगा, भैया निकलेगा। तो फाइनली खाना आ चुका है दोपहर का, और दाल चावल और चटनी है। नहाने के बाद ऐसा नशे चढ़ा था ना, मैंने बोला थोड़ी देर लेट ही आता हूँ, थोड़ी देर लेटा तो मतलब नींद आने लगी थी, मैंने बोला सोना नहीं है अभी, क्योंकि ऑलरेडी 5 बज चुके हैं अभी और बारिश अभी तक रुकी नहीं है, बारिश बाहर हो रही है अभी तक। तो अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं, और अम्मी ने जो है ना बैगन, आलू बैगन बनाए थे, तो वो मैं खाता नहीं हूँ, तो इसलिए अम्मी ने फिर मेरे लिए थोड़ी सी दाल बना दी, तो दाल खाऊँगा और खाना खा के आपसे मिलता हूँ। तो भाई खाना खा के हो गए फारिग और बिल्कुल पेट भर चुका है। अभी जो है बाहर बारिश हो रही है, ऑलमोस्ट रुकी नहीं है अभी। हाँ, तो वो निकलेंगे ना, बारिश हुई है तो थोड़े थोड़े से गमले में होते हैं, वो निकलेंगे बाहर। बड़े वाले गमले के अंदर से कितने, बड़े वाले गमले के अंदर से कितने निकले थे। तो गाइस अभी चाय वगैरह पी लिए और अभी बाहर सूरत हाल देखने के लिए आए कि यार बारिश वगैरह कब रुक रही है, नहीं रुक रही, क्योंकि आज का सारा दिन कहाँ पर। अबे हाँ, अरे सच में रेम्बो निकला भाई, वाह क्या बात है। यहाँ से ये निकला और ये क्या, सीरियसली यार रेम्बो निकला है यहाँ पे। ये लास्ट टाइम मैंने ये कोई अभी 1 मंथ पहले जब बारिश का सीजन शुरू हुआ था ना मूनसून का, तो नीचे मैं खड़ा हुआ था, उस वक्त भी मैंने एक बार निकला था, तो वो देखा था, उस वक्त मैंने कैप्चर करा था, वो मेरी इंस्टा में है वो वीडियो, तो उस वक्त ब्लॉग तो बना नहीं रहा था इस वजह से, लेकिन आज बाई चांस फिर दोबारा निकल गया रेनबो, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये, बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा अगर जूम करके आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये अभी थोड़ी देर के लिए ही होगा और मेरे ख्याल से शायद अभी ये गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। तो फिलहाल तीन कुछ ऐसा है कि अभी बस चाय वगैरह पिए, शाम के वो नीचे जाने की तैयारी है। तो इतने में रेनबो दिख गया हमारे को आज, एक तो वैसे ही मौसम इतना प्यारा था और माशाल्लाह पीछे हमारे रेनबो भी निकल चुका, तो मौसम जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। और मतलब आप देखेंगे ये यहाँ से ये अलग हो रहा है और यहाँ पे अलग सीन है, मतलब दोनों तरफ अलग अलग सीन चल रहे हैं, इस तरफ कुछ और इस तरफ कुछ और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। जो 2 से 3 दिन में जो गर्मी पड़ रही थी ना, वो लिटरली ख़त्म हो चुकी है, अब घर के अंदर कमरों के अंदर थोड़ा सुकून है। ये बताओ तुम ये करवा क्या लिया एकदम, सुबह तो कुछ और थे, अभी कुछ और है? अभी तो कंप्यूटर बन गया है, किसी ने बोला चाय बन गया, ये देखो जरा चिकना बच्चा। सुबह आप लोगों ने देखा था जब बारिश हो रही थी कैसे थे उस्ताद, और अभी देखो माशाल्लाह जवान जेट है, सुबह उठने ही जवान थे, अभी कहां है, और ये बच्चे साथ हो गए आए साहब भाई।
भाई एकदम आपने जो ना वक्त बदल लिया, जज्बात बदल लिए। हाँ बारिश हुई, जरा गर्मी गई, खुशी आ गई, सिर्फ पाया बना लिया उन्होंने। ये तो मैंने अभी कसम से मैंने नोट करा, अभी मैं आया ना मतलब ये एकदम यार ये तंदूर वाला बंदा कैसे चेंज हो गया एकदम, ये जवान क्यों हो गया? उसका भाई है छोटा वाला। अच्छा छोटा भाई है, गलती हो गई हमने पहचानने में, छोटा भाई है उनका भाई, ये उनका छोटा भाई है और ये बेटा। और तू कौन है? मैं उनका। कौन है छोटा बेटा है? मैं उनका छोटा बड़ा भाई हूँ। आज ना आज ये घर पे जाएंगे, घर पे जाएंगे भाभी दरवाजा नहीं खोलेगी, बोलेगी ये बंदा कौन है? अरे ये ना बाकी पेट में दर्द हो जाएगा तुम्हारे, बता रहा हूँ, तुमने हलीम नहीं खिलाई ना बच्चे को, सच में दर्द हो जाएगा। आया रोटी भी लो, चूजे को बुला रहे। आया ले चपाती ले, आज उस्ताद ने हमारे को हलीम खिलाई है, जबरदस्त दो चपाती खिलाई है, एक बोतल खिलाएगा। तेरा इतना खाना ज्यादा कहाँ पर है? अब बोला रात को खाना नहीं खाऊंगा, ये रात को ये तो बैठ जाएगा मेरे ख्याल से दोबारा। खुलवा ले बे उस्ताद ने हलीम खिला दी, इतना हक तो तेरा बनता है एक बोतल का। सो गाइस घर पे पहुंच चुका हूँ और अभी रात के 3 बजने हैं, रात का खाना बिल्कुल नहीं खाया है और अभी आके बैठा ही था कि याद आया कि हमने व्लॉग एंड नहीं करा, मतलब सुबह से बन रहा है तो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने लगा यार व्लॉग एंड करते हैं, तो इस व्लॉग को एंड करने के लिए ही मैंने कैमरा उठाया, मैंने लगा चलो अपनी ऑडियंस को बोलते हैं बाय और मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में बहुत जल्द, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।